नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं बचे हुए चावलों से कटलेट्स। तो इस तरह से एक तरफ तो हम टेस्टी कटलेट्स भी खा लेंगे और दूसरा हमारे चावल भी वेस्ट होने से बच जाएंगे। और इनके साथ हम बनाएंगे हरी चटनी। जो हरी चटनी हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे हरे धनिए और न्याजबो को मिलाकर। न्याजबो के और भी कई नाम होते हैं, जिनमें से कुछ नाम है मरवा, और इसके अलावा उन्हें कहते हैं स्वीट बेसिल। तो ये बहुत फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। इसे तुलसी की जाति का भी माना जाता है। फायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि ना तो सिर्फ ये हमारी सिर्फ भूख को बढ़ाता है, बल्कि अगर हमें सर्दी जुकाम हो रहा है तो वो भी ठीक कर देता है। इसके अलावा अगर अपच की कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी ठीक कर देता है। तो है ना इसके बहुत फायदे। तो चलिए, मेरा एक छोटा सा मिनी गार्डन है, सबसे पहले हम वहां से जाकर न्याजबो को तोड़ लेते हैं। और ये है मेरा छोटा सा मिनी गार्डन, जहां पर मैंने तकरीबन 25-30 गमले रखे हुए हैं। ये ना केवल किचन पर्पस के मैंने यहाँ पे पौधे उगाए हैं, बल्कि ये मेरे इंडोर और आउटडोर के प्लांट्स भी यहाँ पर हैं। और दूसरी तरफ भी थोड़े से गमले मैंने रखे हुए हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम तोड़ लेते हैं अब न्याजबो। अगर आपके पास न्याजबो ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पुदीने और धनिए की चटनी भी बना सकते हैं। यानी आप न्याजबो की जगह पुदीना यूज कर सकते हैं। वो तो मेरे पास है और मैंने उगाया हुआ है, इसलिए मैं इसे यूज करती रहती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर हरी चटनी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसके फायदे तो पहले से ही मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता ही चुकी हूँ। हाँ, और ये भी बता चुकी हूँ, अगर आपके पास न्याजबो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर है तो आप इन दोनों को मिला करके बना दीजिएगा, वरना आप पुदीना भी यूज कर सकते हैं धनिए के साथ। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। हमने यहाँ पर लिए हैं थोड़े से हरे धनिए के पत्ते, और उतने ही सेम क्वांटिटी में हमने लिए हैं न्याजबो के पत्ते भी। इसके अलावा एक टमाटर, एक प्याज, एक नींबू, 3 से 4 हमने लहसुन की कलियां ली हैं, और आधा इंच अदरक होगा। और इनके अलावा हमने लिए हैं कुछ हरी मिर्चें, 4 से 5, और ये है नमक। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे हरी चटनी के हैं। और अब हम सबसे पहले इन्हें मिक्सर जार में डाल देंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे थोड़े से पानी के साथ। अब हमने यहाँ पर टमाटर और प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और हमने रख लिया है मिक्सचर जार में, यानी कि हम चटनी बनाएंगे ना। और ये है धनिया पत्ता और ये है न्याजबो। इसके अलावा हम ऐड कर लेंगे हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और नींबू का रस। और अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा नमक, और साथ ही में हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा पानी भी। तो चलिए, अब इसे कर लेते हैं ग्राइंड। अब यहाँ पर हमारी चटनी तैयार हो चुकी है, तो हम इसे निकाल लेंगे एक अलग कटोरी में, यानी एक अलग बाउल में निकाल के हम इसे रख देंगे और करेंगे अब आगे की तैयारी। देखिए कि हरी चटनी लग रही है ना आपको भी टेस्टी। तो चलिए, अब करते हैं आगे की तैयारी, यानी कटलेट्स बनाने की। ये कटलेट्स बहुत टेस्टी तो बनते ही हैं, साथ में हमारे जो चावल है वो भी वेस्ट होने से बच जाते हैं। और हम इन्हें चाहे तो स्नैक्स में खा सकते हैं, चाहे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। हमने लिए हैं बचे हुए चावल, ये है एक प्याज, एक उबला हुआ आलू, एक शिमला मिर्च, और कुछ कलियां हैं लहसुन की जिन्हें हमने बारीक बारीक काट लिया है, और ये है अदरक, इसे भी हमने ग्रेट कर लिया है यानी कद्दूकस, और ये है 1 टेबलस्पून अरारोट। अरारोट ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और मसालों में हमने यहाँ पर लिया है नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और ये है अजवाइन। और अब सबसे पहले हम यहाँ पर प्याज को बारीक बारीक कट कर लेंगे और शिमला मिर्च को भी बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये दोनों चीजें तो हमने पहले से ही कट करके रखी हुई हैं, और आलू को कर लेंगे मैश। तो चलिए, ये सारा सामान तैयारी करने के बाद हम एक बड़े बाउल में चावल मिक्स करेंगे और ये बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स। तो तैयारी करते हैं अब आगे की, यानी कि एक बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं।
तो अब हमने यहाँ पे एक बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लिया है और हम इसमें मिक्स करने लगे हैं चावल। और चावल के साथ ही हम अब यहाँ पर मिक्स कर लेंगे बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स। ये हमने यहाँ पर लौंग बनाते हुए डाली थी, तो ये एक लौंग भी इसमें पड़ी है, मैं इसे नहीं हटा रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर मिक्स कर लिए हैं आलू मैश किए हुए, शिमला मिर्च, ये प्याज, और अब हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे कटा हुआ लहसुन और अदरक भी। इनके अलावा हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं अरारोट। अगर अरारोट आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि चावलों को बाइंड करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। ये तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो कटलेट्स है उनका टेस्ट बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता आए। इसके अलावा जो ये अरारोट है ना, ये मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए बाइंड करने में ज्यादा आसानी होती है। लेकिन खैर, यहाँ पर चावल है तो चावल को बाइंड करने में हमें कोई सी भी परेशानी नहीं होती। तो चलिए, अब हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच अजवाइन भी, और अब हम इन्हें कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं, मैं यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं मिला रही हूँ, आप चाहे तो थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर उबला हुआ आलू ऐड किया है ना, तो हमें यहाँ पर इसे गीला करने की और जरूरत नहीं है। तो बस हम इसी तरीके से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला और जो भी कुछ हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अच्छे से इवनली मिक्स हो जाएं। और इन्हें मिक्स करने के बाद हम अच्छे से इन्हें शेप दे देंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कटलेट्स की। अब हमने पैन को रख दिया है मीडियम फ्लेम में और तेल भी इसमें ऐड कर लिया है क्योंकि हमें कटलेट्स डीप फ्राई करने हैं ना। और आपने देख ही लिया है कि मैं यहाँ पर इन्हें देने लगी हूँ शेप, मैं बहुत ही सिंपल इनको शेप दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। आपका अगर मन करे तो आप इन्हें टिक्की की शेप भी दे सकते हैं, है ना कितना आसान। अगर आपको यहाँ पर कटलेट को बाइंड करने में कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप पानी भी लगा सकते हैं अपने फिंगर्स और पाम में। तो चलिए, अब हमने तो यहाँ पर सारे कटलेट्स रेडी करके रख लिए हैं और अब हम करने लगे हैं फ्राई, क्योंकि तेल मीडियम गर्म हो चुका है। तेल को हमने बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना वरना हमारे कटलेट्स जल जाएंगे और अंदर से अच्छे से कुक भी नहीं हो पाएंगे। कटलेट्स को हमें लो टू मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और जैसे ही हमें लगेगा ना कि तेल बहुत ज्यादा गर्म हो गया है तो हमें फिर से फ्लेम को लो करना होगा। वैसे भी इन्हें बनाने में टाइम नहीं लगता, ये बहुत जल्दी झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये कुक चावल है ना, हमने इन्हें पका रखा है। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत स्वाद बनते हैं, इन्हें खाने के बाद तो आपको ये लगेगा कि हाँ, हमें कभी भी बचे हुए चावलों को फेंकना नहीं चाहिए, यानी कि कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आपने किसी के आगे ये सर्व भी किए ना, उन्हें भी नहीं पता चलेगा कि ये बचे हुए चावलों के हैं। अब आप देख सकते हैं कि सारे के सारे कटलेट्स हाफ गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और जैसे ही ये पूरे गोल्डन ब्राउन होंगे ना तो हम इन्हें उतार लेंगे। इन कटलेट्स को बनाना बहुत ही आसान है, आपने देखा होगा कि इनकी रेसिपी कितनी इजी है, यानी कि जब कभी भी आपके घर में अगर चावल बचते हैं तो आप भी सेम तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करके ये वाले कटलेट्स बना सकते हैं। और अब हमारे यहाँ पर सारे के सारे कटलेट्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो चलिए इन्हें उतार लेते हैं और बाकी के सारे जो बचे हुए कटलेट्स हैं उन्हें भी हम सेम तरीके से फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो आपके घर में जब कभी भी पार्टीज वगैरह हो तब भी ये वाले कटलेट्स बनाकर अपने मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप बचे हुए चावलों से ही कटलेट्स बनाएंगे। ये वाले कटलेट्स तो आप सिंपल चावल को उबाल करके भी बना सकते हैं ना। तो देखिए, लग रहे हैं ना बहुत टेस्टी, और इन्हें बनाना भी कितना आसान है। अब बाकी के सारे कटलेट्स भी हम लो टू मीडियम फ्लेम में सेम तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल भी मीडियम से ऊपर नहीं करेंगे वरना कटलेट्स जल सकते हैं। तो चलिए, हमारे ये वाले कटलेट्स भी तैयार हो चुके हैं तो हम इन्हें भी उतार लेते हैं। और अब हम गैस को कर लेंगे बंद और इन्हें कर लेंगे सर्व। भाई, हम तो इन्हें सर्व करने वाले हैं हरी चटनी और टमाटो सॉस के साथ। तो देखिए, लग रहे हैं ना कितने सुंदर, आ गया ना आपके मुंह में भी पानी। आप चाहे तो इन्हें मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में या इवनिंग के स्नैक्स में तो खा ही सकते हैं,
इसके अलावा जब कभी भी आपको छोटी मोटी भूख लगी हो ना, तब भी आप इन्हें बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए इनमें से मैं आपको एक तोड़ करके दिखा देती हूँ। देखिए लग रहे हैं ना कितने सुंदर, बहुत अच्छे से ये अंदर से भी कुक हुए हैं और हम इन्हें खाने वाले हैं हरी चटनी और टमाटो सॉस के साथ। तो आप सोच सकते हैं कितना मजा आएगा जब हम इन्हें हरी चटनी और टमाटो सॉस के साथ खाएंगे। तो भाई हम तो लगे हैं अब इन्हें खाने, क्योंकि ये लगे इतने टेस्टी रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये जरूर पसंद आए होंगे। तो चलिए अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी इसे प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।